तो बिल्डिंग बिल्कुल बेकार हो रही है, अगर कोई बच्चा मर गया तो उसका जिम्मेदार सरकार होगी। अधिकारियों से मिलके अपना धरना प्रदर्शन करके हम इसको मर्ज नहीं होने देंगे किसी भी कीमत। समाधान होगा ठीक है, नहीं रोड जाम कर लेंगे। स्पेशल हरियाणा और बेस्ट हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम। फिलहाल खड़े हाँ झील का प्राइमरी स्कूल का है, आप देखने भी लग रहे हो पर गांव के यहाँ पर इकट्ठे हो रहे महिलाएं भी हो रहे हैं, देखो पुरुष भी इकट्ठे हो रहे हैं और जो स्कूल का गेट से उसका ताड़ा लगा दिया गया है। आखिर के कारण है यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं गाँव वाले, तो पूरी की पूरी जानकारी लेवांगे इनता है आखिर क्या कारण है। लगातार कई जगह से न्यूज आ रही है भाई गांव में स्कूलों का इकट्ठे होने लग रहे हैं, के कारण इनका वो पूछांगे सबसे पहले। राम राम जी। अच्छा क्यों इकट्ठे हो आज ये गांव वाले जी? आज ये इकट्ठे न हुए हैं जी के भाई जो मेरे गांव का स्कूल है लड़कियों का, गवर्नमेंट कह रही है इसको मर्ज किया जाए। अच्छा, अच्छा। और हम इसको जो ये मेरी लेडीज हैं जो मेरे काके ताऊ हैं हम इसको है ना मर्ज नहीं होने देंगे। अच्छा। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हाँ लड़कियों का स्कूल है। अच्छा, कितनी के बच्चे हैं इसमें? बच्चों के 125 बच्चे हैं, पूरे बच्चे हैं, पूरे टीचर हैं। अच्छा टीचर पूरे हैं, उसके बावजूद भी मर्ज कर रहे हैं इसको। अच्छा गांव वाले के गांव वाले चाहते हैं कि भाई हम इसको मर्ज ही होने देंगे। अच्छा, सारा गांव आज इकट्ठा हुआ है इसीलिए इकट्ठे हुए हैं जो लेडीज हैं जो जेंट्स हैं कि भाई हम इसको मर्ज नहीं होने देंगे। मर्ज नहीं होने देंगे। राज आपने ज्ञापन किसको सौंपा है? बीओ साहब को सौंपा। अच्छा बीओ साहब फिर क्या कहना है उसे? बीओ साहब कह रहे हैं कि भाई हम ये ज्ञापन जो दिया है हम हमसे उच्च अधिकारी को देंगे और हमसे अच्छी तरह से लिया हुआ है। यह प्रॉब्लम आ रही है जो सरकार कहती है कि भाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती रहती है कि भाई तो फिर ये बेटी कहाँ जाएगी? छोटी छोटी बेटी लड़का लड़की एक समान है तो फिर क्यों लड़कियों का बंद कर रही? मतलब बंद मर्ज करके कौन सा दूसरा स्कूल में शिफ्ट कराएंगे? दूसरा स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा कौन सा आपने वो अच्छा नहीं लगा स्कूल है? वो भी अच्छा है जी, ये भी अच्छा है। नहीं नहीं वहाँ शिफ्ट कर दो लेकिन वहाँ बिल्डिंग नहीं है। क्यों करने देंगे जी? वहाँ नहीं मर्ज करने देंगे जी। हाँ जी वो बिल्डिंग डैमेज है जी वो। अच्छा आप इसलिए एतराज है आपको? इसलिए एतराज है जी। ठीक है जो बीओ साहब से बात करेंगे। राम राम। राम राम जी। अच्छा आज जो विज्ञापन सौंपा है गांव वाले भी इकट्ठे हो रहे हैं और सरकार बार बार स्कूलों को मर्ज करने जा रही है, की उद्देश्य सरकार का इसमें? देखिए ये एक विभागीय फैसला है हरियाणा सरकार द्वारा लिया गया है और इसमें आज ये सभी गांव वासी इकट्ठे हुए, हमें भी अभी सूचना प्राप्त हुई थी, हम तुरंत यहाँ पर पहुँचे हैं। हमें जो ज्ञापन दिया गया है उसके अंदर यह आशंका जताई गई है कि इससे एक इमारत जो गांव है उसके अंदर रोज़गार प्रभावित होगा। इसके साथ साथ ये नहीं चाहते कि हमारे जो बच्चे हैं वो दूसरी बिल्डिंग में जाएं, वहाँ बिल्डिंग की स्थिति भी अच्छी नहीं बता रहे हैं, तो ये तो इन्होंने जो मांग पत्र हमें दिया है ये हम अपने उच्च अधिकारियों को भेजेंगे, शिक्षा विभाग को इस बारे में अवगत करवाएंगे, जो हमारे उच्च अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए हैं वो इन सब के ऊपर गौर करेंगे और जैसा भी निर्णय होगा हम इनको वो सरकार की तरफ से होगा, बिल्कुल सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से जो निर्णय होगा उस पर जो भी होगा। राम राम जी। अच्छा क्या कहना चाहोगे यार सरकार जो बार बार स्कूल क्यों मर्ज करने लगी? देखो मैं यहाँ सांस्कृतिक सचिव हूँ उचाणा ब्लॉक का और BRC महोदय के साथ ही आए हैं, लगातार हर रोज गाँव में अलग अलग रिपोर्ट मिल रही है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले के विरुद्ध गांव के लोग एकत्रित हो रहे हैं, साथ में महिलाएं भी एकत्रित हो रही हैं और ज़्यादातर जो स्कूल हैं ये गर्ल्स स्कूल ही मर्ज हुए हैं। तो सरकार ने ये सोचा कि वह क्यों न एक स्कूल दे करके और एक जगह ज़्यादा संसाधन जुटा पाएं, लेकिन लोगों का तर्क ये है कि भाई नहीं ये गलत है, भाई हमारी जो स्कूल की ज़मीन है वो गाँव की ज़मीन है और मोस्टली जो पहले दादे परदादियों ने बड़ी मेहनत करके स्कूल के भवन बनाए हैं ये लोगों के तर्क हैं, भाई हम अपनी ज़मीन को या फिर अपने संस्थानों को ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे। दूसरा उनका एक ये भी तर्क है कि जो टीचर यहाँ काम कर रहे हैं आम घरों के बच्चे टीचर लगते हैं तो उनके रोज़गार का भी प्रश्न यहाँ स्वाभाविक उठना है। इसके अलावा गांव के अंदर चाहे मिड डे मील कुक लगे हुए हैं या कोई स्वीपर वगैरह लगे हुए हैं है तो यहाँ आसपास के, तो रोज़गार के प्रश्न को लेकर भी लोगों ने ये आवाज़ उठाई है। सरकार की तरफ तो अगर नहीं मानी सरकार मर्ज करने को जाओगी तो गांव की तरफ तो कोई बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता? देखो गांव का मामला में तो गांव के लोग ही बता पाएंगे, मैं गांव की तरफ से नहीं बोल सकता। अच्छा, मैं सरकारी कर्मचारी ही हूँ
तो मैं तो इतनी बात है, गांव के लोगों ने जो कहा वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। देखिए जी, कोरोना काल के अंतर्गत बिल्डिंग को बनाया गया था जी, ठीक है, बहुत सारे टेंडर आए थे, करोड़ रुपए लगाए थे स्कूलों में, आज 19 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, तो वो क्या बेवकूफी था पैसा लगाना? ऐसा कोरोना सवाल कोरोना का नहीं होता, नहीं वो तो बराबर का काम चलता रहता है। जहाँ जिन गांवों के लोगों ने डिमांड करी है हमारे यहाँ सरकार भवन बना के दे, तो सरकार ने पैसा रिकमेंड कर दिया। मर्ज करना दूसरा पहलू है, वो जो अधिकारी अपने योजनाएं बनाते हैं उसके अनुरूप काम करते हैं, लेकिन जो लोगों की मांग होती है, सरकार लोगों की मांग का पठन करती है, देखती है भाई इनका टेम्परेचर कितना बढ़िया है लोगों का, तो उसी हिसाब से हो सकता है जो लोगों का दबाव बना तो सरकार अपने फैसले बदल ले, ये तो स्वाभाविक बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। राम राम, नमस्कार। इसी गांव से? हाँ जी। अच्छा नू बता, अगर सरकार नहीं बतारी बात मानेगी, स्कूल लोग ऐसे मर्ज करती रहोगी, गांव की तरफ तो कोई फैसला भी लेगा? मैं भाई साहब ग्राम पंचायत का मेंबर हूँ अभी फिलहाल का, तो गांव की तरफ से मतलब जैसे अब ये प्राइमरी स्कूल लड़कियों का, तो अब गांव की संस्था है, गांव की दी हुई जमीन है, कल को इसको अगर सरकार मर्ज कर देती है, पहली बात तो वहाँ कोई पर्याप्त फैसिलिटी है नहीं मिडिल स्कूल में, आप चल के देख सको, फिर दूसरी बात अगर इसको बंद कर देंगे तो यहाँ अकेले सिर्फ बच्चों का प्रश्न नहीं है, यहाँ पे और कम से कम 10 परिवार ऐसे हैं जिनका रोज़गार इस स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है, मिड डे मील वाले भी हैं, चौकीदार भी हैं और स्वीपर भी हैं, रही बात अध्यापकों की, उनको भी बड़ी परेशानी है, चलो लेकिन दूसरी बात क्या है भाई साहब, जो हमारी गाँव की संस्था है, कल को ये स्कूल बंद हो गया, यहाँ एक बार बताओ गांव की इतनी बड़ी संस्था ये खंडर बन जाएगा, खंडर हो गया, तो फिर इसमें कोई दोराई नहीं है, हमारे गांव की जमीन हमारी संस्था है, तो मेरी तो सरकार से या ग्राम पंचायत की तरफ से हमारा यही अनुरोध है भाई, इसको नहीं बंद कराया जाएगा। अध्यापक हमारे साथ सहयोग में है, अध्यापकों का भी यही कहना है भाई ये नहीं होना चाहिए काम, क्योंकि अध्यापक खुद मतलब अध्यापकों का भी ऐसी बात नहीं है, उन्होंने स्कूल में ही आया हुआ, इनका भी मोह है यहाँ पे आने में, मोह प्यार तो हर संस्था में हो ही जाता किसी भी कर्मचारी का, तो ग्राम पंचायत की तरफ से भी हमारा यही अनुरोध है, अगर फिर भी नहीं मानेगी सरकार तो हम उच्च अधिकारियों से मिलकर अपना धरना प्रदर्शन करके हम इसको मर्ज नहीं होने देंगे किसी भी कीमत। ठीक है, हाँ जी। तो फिलहाल देख सको भाई गांव की जो सरपंच है, इस गेट खोल लग रही है, लॉक खोल दिया गया है और इव अंदर जान लग रहे हैं फिलहाल जो गाँव की है, क्योंकि यहाँ पर इनकी ताला लगा दिया गया था, तो फिलहाल जी ई व्यू क्यों खोल दिया गेट? ईवी नो खोला है जी, कि भाई ज्ञापन दिया है मैंने बीओ साहब को, बीओ साहब ने खुलाया है कि भाई आपकी ये जो ज्ञापन दिया है ये उच्च अधिकारी को पहुंचाएंगे और उसका समाधान करवाएंगे। ग्राम पंचायत झील के नाम से जी। ठीक है, राम राम। राम राम। अच्छा ये की कहना चाहोगे, अगर ये फैसला है तो दोबारा कदम पे दोबारा नहीं, अगर दोबारा फैसला लेना पड़े दोबारा लेने में कोई इसकी नहीं करेंगे हम, दोबारा भी फैसला लेंगे, अगर यहाँ से समाधान होगा ठीक है, नहीं रोड जाम कर लेंगे, और सरकार तो तानाशाही कर रही है, ये बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे, ये क्यों रुलाना चाहो छोटे छोटे बच्चों की आखिरी जिंदगी, सरकार की पता नहीं क्या ऐसी नीति है ये, एक तरफ तो बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें ही बेटियों को अगर हम सात में लगते स्कूल है बंडनपुर, यहाँ से 3-4 किलोमीटर है, इन बच्चों को कौन छोड़ के आएगा कौन ले आएगा, तो छोटे बच्चे समस्या बढ़ेगी। हाँ, और उस गांव वाले भी लोग नु कहने लगते हैं भाई ये गांव में भी तो दो स्कूल मर्ज करने जा रहे हैं, हाँ वो भी गलत है, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो भी नहीं, अगर हमारे गांव के बच्चे बनपुर पढ़ने जाते हैं उनको बहुत तंगी आती है, अगर एक्सीडेंट करो सारा खतरा, हाँ अगर इस प्रकार से हो कर हम दोबारा से रोड जाम करने के लिए तैयार हैं, हम एक चीज और कहना चाहते हैं, ये संज्ञान हम डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को भी देने वाले, लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे यहाँ गाँव जिले की पंचायत इकट्ठी हुई है, लोकल लोग इकट्ठे हुए हैं जी, और हमारा जो स्कूल के बारे में जो चर्चा चल रही है, इस स्कूल को बिल्कुल बंद नहीं होने देंगे हम, और हमारी पंचायत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, और एक हफ्ते के अंदर अंदर सरपंच पंचायत मेंबर और गांव के मुखिया आदमी यहां पर आते हैं और स्कूल की संभाल लेते हैं, और हमारे स्कूल के अंदर जो पुराना स्कूल है उसको हम 12 का करवाना चाहते हैं, उसके अंदर बिल्डिंग की कमी है, अगर इन बच्चों को भी अगर वहाँ ले जाते हैं तो बिल्डिंग बिल्कुल बेकार हो रही है, अगर कोई बच्चा मर गया तो उसका जिम्मेदार सरकार होगी, वहाँ बिल्डिंग नहीं है ना, हमारे बार बार हमारी मांग है कि भाई स्कूल 12 किया जाए, लेकिन हमारे स्कूल को 12 करने बजाय इसको तोड़ने लग रही है, तो हम इस स्कूल को बिल्कुल बंद नहीं होने देंगे, और सरकार के खिलाफ हम आंदोलन भी करेंगे और हम जाम भी करेंगे, और इस स्कूल को बंद बिल्कुल नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ रोजगार का भी मामला है और यहाँ लड़कियों का भी मामला है, एक तरफ तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जो लड़कियों का स्कूल है उन्हों सारे बंद करने जा रही है, ये सरकार की
जो डबल नीति है नहीं वो चलने नहीं देगी। तो बाहर जाओगे क्या तो हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल बल्कि वह 12 का बनाया जाए ताकि सरकार का धन्यवाद करें हम और इस स्कूल को बल्कि 8 का किया जाए। तो हम गांव वाले इस बात पर आज हम राजी हुए हैं और इस स्कूल को बिल्कुल भी बंद नहीं होने देंगे। मैं प्रेम सिंह एक्स सरपंच गाँव झील और जो हमारा फैसला हमने ले लिया है इकट्ठे होकर हमने फैसला लिया है और हमारी नौजवान पंचायत है सरपंच हमारा बहुत समझदार है और हर हफ्ते दोनों स्कूलों में सारा जो भी महकमा यहाँ पर है उनकी निगरानी करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और हम बच्चे और ज्यादा बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। ये बच्चे पढ़े हैं स्कूल में और देख लो फिलहाल भाई ये छोटे तो बच्चे हैं ये जो कोड़े पीछे नहीं रहे सही होगी जी इससे भी छोटे और डगी है जे बाओ डड बालक मां में लेन नहीं आवांगे जे मैडी भी गे जे और ये बच्चे को आज सोच का है यूली बंद होना चाहिए यू नहीं बंद होता है अगर सरकार बंद करना लगी फिर हम रोड बंद कर देंगे बड़ा तो बड़ा एक्शन ले लोगे हैं फिर कर पाओगे हां ले जाएंगे हां जी ये बोलो जी के कुछ एक्शन ले जाए सरकार बंद कर जी मार बड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए पढ़ने जा गर्मी मारा बच्चा छोड़ का जोड़ लागा जी छोड़ के भी आवा लेके भी जावा हां बंद कर हैं पूरे टीचर हैं सारे मतलब स्कूल में कोई कमी कोई कमी नहीं है मारे बड़ा का बना और है कि सरकार कोई मामला नहीं सुना आगे जाकर बिजली लग भी नहीं टाइम पर छोटे छोटे बच्चे गर्मी मर लागे और फिर भी सरकार हटावा है लाल भाई झील की जो आपने खबर देखी स्कूल को मर्ज होने को लेकर गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। गांव वाले का कहना है किसी भी हालत में स्कूल को मर्ज नहीं होने देंगे बंद नहीं होने देंगे चाहे कोई बड़ा तो बड़ा एक्शन लेना पड़े। आप भी थोड़े ज्यादा ज्यादा शेयर करने काम करियो कॉमेंट के माध्यम से अपनी राय छोड़ियो वीडियो का पे जय जवान जय किसान।